108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। अभी इस वक्त में श्री नवग्रह जिनालय, चंद्र प्रभु नवग्रह जिनालय, खटखटी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आसाम में खड़ा हूँ, जो डिमापुर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। आज से 12 वर्ष पहले ये इस मंदिर जी की के समस्त नवग्रह जिनालय प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हुआ और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई। और जब ये 1984 में मैंने ये ज़मीन साढ़े आठ हज़ार रुपये में ये 10 बीघा ज़मीन करीब खरीदी थी, और गुरु महाराज से मैंने 1990 के आसपास में पूछा, महाराज कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्या करें? तो महाराज श्री ने बोला था कि यहाँ पर मंदिर, देवरे, स्कूल, धर्मशाला सब बनेंगे। तो ये गुरु का कृपा थी विमल सागर जी महाराज की कि यहाँ पर जिनालय बना। हमारे बड़े भाई साहब पन्नालाल जी शेट्टी का संपूर्ण योगदान, हम सब भाइयों का संपूर्ण योगदान था और ये जिनालय बन सका। और ये जो विमल समाधि मंदिर जो मेरे बगल में, इस मंदिर जी के जस्ट बगल में, वो मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने 2013 में प्रतिष्ठा की थी। और यहाँ का अतिशय ऐसा है कि यहाँ पे जो भी भक्त आता है शुद्ध भाव से नारियल चढ़ा करके जो भी वरदान मांगता है वो पूरा होता है। और ये मैं भी अनुभूत हूँ, और भी जनेतर लोग भी यहाँ आते हैं, अपना वरदान प्राप्त करके जाते हैं, उनका कार्य होता है। और मैं विमल सागर जी महाराज से तो 1973 से जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट दर्शन ही विमल सागर जी महाराज का हुआ, और समेत शिखर की पहाड़ी पर मुझे महाराज श्री मिले। तो महाराज श्री को मैंने पूछा, महाराज नमोकार मंत्र की सिद्धि हो सकती है क्या? महाराज श्री ने मुझे कहा, विमल तुम कभी सिद्धि में मत जाना, तुम नमोकार मंत्र की और अन्य अपने जिनागम के मंत्रों की आराधना करो, देवी देवता अपने आप आएंगे। और आज भी गुरु कृपा से आते हैं। और महाराज श्री ने मुझे कोई दिव्य दृष्टि दी थी और रत्न का व्यापार करने के निर्देश दिया, तो वही मैं कर रहा हूँ। उसमें बहुत बहुत लाभ हो रहा है और धन प्रभावना कर रहा हूँ। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से जिसको जो प्रिडिक्शन करता हूँ, जो बात बता देता हूँ, आर के जैन भाई साहब, शिखरचंद पहाड़िया, बड़े भाई साहब लोग, छोटा भाई जो भी आता है, या और अन्य अधिकारी ITO वगैरह, बड़े बड़े लोग आर्मी के, सब आते हैं मुझसे पूछने। और मैं सबको मांस, कई लोगों को मांस का त्याग कराता हूँ जो जनेतर लोग हैं, और वो त्याग करते हैं और उस त्याग के प्रभावना से उनका कार्य सिद्ध होता है। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि नमोकार महामंत्र का ही विशेष माला फेंट जाप करने के लिए बोलते थे, तो वो मैं निर्बाध करते आ रहा हूँ। और हम सब भाइयों ने जो भी 10 लक्षण व्रत है और भी त्याग का कार्य है, धर्म का मार्ग है, उसमें हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं यथाशक्ति। और गुरु की कृपा से ये शक्ति बनी रहे कि जिन धर्म की प्रभावना और प्रचार प्रसार और आपकी ये मीडिया चैनल जो अति उत्तम चैनल है, इस चैनल के द्वारा पूरे विश्व में सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब धर्म से जुड़े, क्योंकि धम्मम शरणम पावज्जामि, धर्म ही अंतिम शरण है, और उसी से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 28, 29, 30 दिसंबर 2019 श्री सम्यक शिखर जी में गुरु महाराज विमल सागर जी महाराज के 25वां रजत जयंती, वो स्वर्ग में गए थे, उस दिन उनका देहावसान हुआ था। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब यदि धर्म का विशेष लाभ लेना और गुरु महाराज का वरदान प्राप्त करना है, तो दिसंबर 2019 28, 29 और 30 तारीख को गुरु महाराज की रजत पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें पंचामृत अभिषेक और भी बहुत सारे अनुष्ठान विधान वगैरह होंगे। आप सभी सादर आमंत्रित है, पधारिए, धर्म लाभ लेवें। और मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। एक बार मैं महाराज श्री के पहले भी निर्देश दिया था, तो मैं एक बार बिना धोख दिए पहाड़ पर जा रहा था, महाराज श्री का मतलब समाधि मंदिर जो बना हुआ है विमल सागर जी महाराज का, वहाँ मैंने धोख नहीं दिया, सीधा जाने लगा पहाड़ पर। तो इतने में मेरे को क्या हुआ, मैं वहाँ पर गिरा और मेरे हाथ में खून आ गया, मुझे चोट लग गई। फिर कोई एक आदमी अचानक में आया, रात के 2:30-3 बजे के आसपास, तो फिर उसने मुझे एक चूना दिया, मैंने चूना लगाया, फिर मैं वापस रिटर्न आ गया, महाराज श्री को धोख दी, फिर मैं वंदना की और वंदना निर्वाध इतनी अच्छे से हुई, तब मुझे संज्ञान हुआ कि कुछ भी हो, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। तो मैंने महाराज श्री को फिर धोख दी, तब मेरी वंदना सफल हुई। और ये गुरु महाराज का अचिंत फल है कि महाराज श्री ने कोई दिव्य दृष्टि मुझे दी थी, तो उसके द्वारा मैं कोई भी प्रश्न उत्तर करते हैं तो मैं महाराज श्री का नाम लेके बोलता हूँ, कार्य सफल सबका हो जाता है। तो गुरु में आस्था रखिए और गुरु ही इस कलिकाल में
हमारे लिए सार्थक है, धर्म की प्रभावना करते हैं और हम सब भी धर्म की प्रभावना करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र।